यार अनंत, इमान से मुझे अब 72 घंटे हो गए साइकिल चलाते हुए। हाँ तो मुकम्मल आर्टिस्ट भी तो बन गया तू। वो क्या होता है? अबे जो तस्वीरें बनाते हैं। नहीं नहीं मुझे पागल ना समझ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं, वो पेंटर होते हैं जो तस्वीरें बनाते हैं। पेंटर दूसरी कौम होती है यार, वो साइन बोर्ड बनाती है या फिर बड़े बड़े तुमने देखे होंगे मंजर जो ट्रकों के पीछे होते हैं वो पेंट करती है। शेर। और वो दिहाड़ी पर काम करती है, आर्टिस्ट ये काम नहीं करता। वो उनसे बड़ी तस्वीरें बनाता है, उसको म्यूरल कहते हैं, और उसका ठेका लेता है मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारों से, और साल में 12-14 लाख रुपए कमा के आराम से बैठ जाता है। तू आर्टिस्ट है, साइन बोर्ड पेंटर नहीं है। यार अलन, यार तू मुझे काम भी तो उल्टा ही बताता है ना। अबे काम बहुत सीधा साधा है यार, नाम इसका यारों ने जरा टेढ़ा रख दिया है। क्या 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 क्या? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। हैं? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ना तो तेरा क्या ख्याल है, ये जितनी तस्वीरें हैं ये सब मनहूस तस्वीरें बिक जाएंगी? बिक जाएंगे भैया, तो इतने महंगे दामों बिकेंगे जितने का तू खुद नहीं बिक सकता है। नहीं नहीं बिकेगी ये, इसको तो कोई पागल ही खरीदेगा मेरे ख्याल। अबे इनको वो लोग खरीदेंगे जो बाजौक कहलवाने के शौकीन होते हैं। ये कौन होते? जिनका कोई अजौक होता ही नहीं है। इनके पास हर किस्म का पैसा होता है और कोठियां होती हैं। तो तेरा क्या हाल है कि ये तस्वीरें सब कोठियों में सजेंगी? और नहीं तो तू सजेगा कोठियों में। अगर ये फ्रॉड है मैं तुझे कर रहा हूँ, या गिरफ्तार हो जाएगा तू? फ्रॉड को फ्रॉड कर रहा है। हाँ तो और क्या होगा, ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या? मैंने तो सुना है कि इंसान पूरी जिंदगी तबाह करने के बाद फिर जाके मसौर बनता है। अबे तो उनको मिला क्या बेचारा को? एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए। आजकल का आर्टिस्ट एक तस्वीर बनाता है और 10 साल खाता है। ना तो वो दुनिया में काम तो छोड़ जाता है ना अपना। बातें कर रहा खड़ा हुआ। जो तस्वीर मुकम्मल होगी उसको टांग। वो मुकम्मल हुई है। हाँ तो टांगो उसको। तो इसका सीधा किधर है? अरे यही तो कमाल है इन तस्वीरों का, इसका उल्टा सीधा कोई नहीं होता। उल्टा सीधा नहीं होता? जिधर से लगा दो इधर से भी ठीक है, इधर से भी चलेगी, इधर से भी ठीक है। बुरी लग रही है इधर से? इधर से ठीक है। क्या इधर से नहीं? अबे इसके सीधा होने का सिर्फ एक है इलाज। क्या? वो ये कि नीचे आर्टिस्ट अपना दस्तखत कर दे। चल ठीक है, तो फिर तू कर दे मेरी जगह। मुझे तो मैं दस्तखत कैसे कर दूं, तस्वीर तुम्हारी बनाई हुई है। तो फिर मैं अंगूठा लगा देता हूं। अंगूठा मैं तेरे गले पे लगाऊंगा। टांग इसको पहले। अच्छा हट जा। तुझे नजर नहीं आ रहा है? अबे इसमें हमारी सदियों पुरानी तहजीब की झलक है। सब तेरी बकवास है। और कहाँ है उबरती हुई, मुझे तो नजर नहीं आ रही। हालांकि मैंने ऐनक भी लगाई हुई। बेटे ऐनक के ऊपर तुमने रंग भी लगाया हुआ है, इसीलिए नजर नहीं आ रही है। बात यह है कि तुम्हें बातें नहीं करना आती, इसलिए नजर नहीं आ रही। ये काम हमने अपने आर्ट क्रिटिक्स और जो गैलरी चलाने वाले हैं उनको हमने सौंप रखा है। क्रिकेट क्रिटिक्स नकाद नकाल 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 नहीं बे नकाद। तो ये क्या करते हैं? ये कौन होते हैं? अबे ये आर्ट के बारे में मजामीन लिखते हैं। हाँ और नाम बनाते हैं, अपना पैसा कमाते हैं। तेरी तरफ सिर्फ बातें ही करते हैं। हाँ तो बातें नहीं करने तो खाए कहाँ से? यार अलन ये लोग कब आएंगे? उनको मैंने देख प्रेस को मैंने प्रीव्यू के लिए बुलाया है। तस्वीर की एग्जीबिशन से पहले उनको घर बुलाते हैं। हाँ। उनको तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। ये मारते तो नहीं है मुझे? नहीं नहीं वो दूसरों को नहीं मारते, वो आपस में कट पड़ते हैं। तो फिर तूने ऐसे लोगों को क्यों बुला लिया जो धीगा मुश्ती करते हैं यार? अबे तुम देखना कल का अखबार उठा करके। हाँ। तुम्हारी तारीफ में जमीन और आसमान के कुलाबे मिलाएंगे। नहीं नहीं इन तस्वीरों के बारे में अखबारों में छपेगा? अबे सिर्फ अखबारों में तेरी तस्वीरों के बारे में छपेगा, तेरी तस्वीरें अपनी भी छपेंगी और तेरा इंटरव्यू होगा। मेरा होगा क्या? क्या होगा? इंटरव्यू होगा। नहीं अलग मैं नहीं। अबे तेरे हालात जिंदगी उसमें बताएंगे। हाँ, क्या, तुमसे सवालात करेंगे। हाँ, कि क्या क्या शौक है आपको, मसलन आपको खाने में क्या पसंद है? पसंद है। आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? नहीं हो चुकी। आपका रंग, आपको रंग कौन सा पसंद है? इस तरह भांडा फूट जाएगा और बस हम साबित हो जाएंगे कि हम नकली। अबे इन मजामीन की सबसे बड़ी खूबी यही होगी कि इसमें तू नहीं होगा। मैं नहीं होगा? नहीं तू होगा। नहीं नहीं मैं नहीं होगा, एक फर्जी जीनियस होगा। अच्छा, समझ रहे हो ना, जो ना तुम्हारे अंदर कभी पैदा हुआ ना पैदा होगा। नहीं तो मैंने पैदा होने भी नहीं देने। और वो इसी जीनियस को ढूंढने में लगे हुए हैं। ढूंढने में लगे? बासुन 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 इनको कुछ देना भी पड़ेगा। अब क्या देना पड़ेगा, अब तो सीधा साधा खाना खिला कर रुखसत कर देते हैं। इसके लिए हमने मिस संदीप को पकड़ा। ये मोतदिल बेवा क्या मतलब? अबे मोतमव्वल बेवा। अच्छा, पैसे वाली बेवा। वो आ रही है, उसने एग्जीबिशन के तमाम जितने अखराजात हैं वो सब उसी के जिम्मे। नहीं नहीं अलन, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। ये देख मेरे तो कपड़े खराब हैं, इस काबिल नहीं है कि मैं किसी औरत से मिल सकूं। अबे अगर कपड़े ठीक हो गए तो तुम्हारी सारी पर्सनैलिटी मारी जाएगी, ये नहीं सोचते? आर्टिस्ट जितना बद हयात बद शक्ल बद लिहाज बद तीनत होगा उतना ही ज्यादा सोसाइटी में मकबूल होगा।
अच्छा हाँ। तो फिर ठीक है ये फर्स्ट क्लास, इसमें थोड़ा सा अब इसको और मैला के लिए तो बहुत साफ है यार। चल जा चल जा, ये बात हुई ना यार, अब तो पूरा आर्टिस्ट मालूम हो रहा है यार। अलन ये तूने मुझे तस्वीर की तरह बना दिया, ये ना हो कि तू वो मोतदिल बेवा के सामने मुझे बेच ही दे। अबे नहीं यार, तो खड़ा हुआ है, अबे जल्दी से तू उसके ऊपर लग जा, वो आने वाली हो। कौन? ओए अच्छा बोलो, उसकी लिमोजीन आ गई। ओए लेमन क्यों सारा? अबे लिमोजीन 5-6 लाख रुपए की तो गाड़ी में आ रही है वो। ये और बात मत करना उसके सामने, तो ये किसमें बनाऊं मैं? अरे वो तरपाल ले, तरपाल जल्दी से ये ले, ये आधी बनी हुई ना। और बात सुनो, बात मत करना उसके सामने। नहीं मैं पागल हूँ, मैं बात करूंगा ही, मेरे तो वाकफियत ही नहीं है। मुंह में बरस रख ले। मैं रख लिया है। जी नहीं जी नहीं, बिल्कुल आप डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं। अच्छा हुआ कि आप तशरीफ ले आई, मैं तो इंतजार कर रहा था। मैंने यहाँ का सबसे बड़ा होटल बुक करवा दिया एग्जीबिशन के लिए। दैट्स नाइस। और कार्ड्स दे दिए हैं छपने के लिए प्रेस में, और यहाँ के इम्पोर्टेंट लोग सारे के सारे, बिजनेस मैग्नेट्स, आर्ट लवर्स और इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज, सब मैंने इनवाइट कर लिए हैं। फेरिस्तें तैयार हैं उनकी और फोटोग्राफर मैं साथ ले आई। ओह दैट्स वंडरफुल वंडरफुल। देखिए ऐसा कीजिए कि एक तस्वीर बनाइए आर्टिस्ट को काम करते हुए, ठीक है? मैं साइकिल पकड़ लूं ना पहले, ईजल के साथ। और यहाँ के बाद हम सीधे जाएंगे कराची और इस्लामाबाद, और उसके बाद लंदन, पेरिस एंड फ्रैंकफर्ट। छोटे छोटे शहर तो रह गए। कौन से? वो गुजरांवाला, जड़ांवाला, मांगटांवाला, वो छोटे शहर। बड़ा आर्ट है और ये छोटे शहर के लिए नहीं होता, बड़ा आर्ट बड़े शहरों के लिए होता है। अच्छा अच्छा। मिस अंदलीफ, आपका दम गनीमत है जनाब। आप जैसी आर्ट लवर्स अगर ना हो इस मुल्क में, तो आप यकीन कीजिए कि आर्ट वो सीधा खोलियों और वो सीधा कोठरियों में दम तोड़ते। हलन साहब, मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं ऐसे जीनियस को इस खस्ता और बोसीदा हालत में देखती हूं, तो मेरा दिल कितना दुखता है। आई अंडरस्टैंड। मैं तो आपको पता है कई बार तन्हाई में बैठ कर आंसुओं के साथ रो। सही फरमा रही हैं आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मेरा तो खून खौलता है कि ये सोच कर, ये देख कर कि ये आर्ट काउंसिलिंग, ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सोसाइटीज, ये क्या कर रही हैं आर्ट के साथ? ये कुछ नहीं कर रही हैं जी, ये सिर्फ बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को ये प्रमोट कर रही हैं। तो फिर आर्ट का क्या बनेगा? आर्ट का क्या बनेगा? बीमा बनेगा। बीमा, सुन लीजिए। लेकिन कोई बात नहीं मिस अंदली, जब तक आप जैसी आर्ट लवर्स मौजूद हैं यहाँ, प्रोमोटर साहब की तरह की मौजूद हैं जो अपना पैसा इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो मैं इसके मुस्तकबिल से नाउम्मीद नहीं। जी वो मैंने तस्वीरें बना ली हैं, तो अब मैं जाऊं। ये तस्वीरें आप प्रेस में दे दीजिएगा उन इनविटेशन कार्ड्स के साथ। जी बेटा जी। लो बातों में ये भी भूल गया कि आपसे कुछ पूछ लेता कि आप क्या पिएंगी, चाय? नहीं तकल्लुफ कर रहे हैं आप, इसकी क्या जरूरत है? बना यार अलग चाय मंगवा ले, सुबह से एक प्याली भी उड़ के मुंह में नहीं गई है, और साथ दो टोस्ट भी मंगा लेना। हाय किस कदर खो के काम करते हैं आप। बस जी परसों शाम से ही लगा हुआ हूँ जी, कंबख्त ने सोने भी नहीं दिया। चलो मंगवाने जाएगी प्याली। भाई चाय भी आ जाएगी, मेरा ख्याल है कि पहले अम्मी संदलीप को तस्वीरें नहीं दिखा। हाँ बिल्कुल जरूर। यार तस्वीरें कहीं भागी जा रही है। अच्छा ठहरी जी, मैं खुद बोल के आता हूँ उसको। नहीं 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 नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों सहमत करते? आपका वक्त तो हम लोगों के लिए कीमती सरमाया है। ओ नहीं जी, हम तो कोई सरमायादार वगैरह नहीं, मैं भी बोल के आता हूँ। बस चाय की प्याली हम आपके साथ पी लेंगे तो हमारा सरमाया ही सरमाया। किस कदर सादगी है इनके अंदाज में। अलन साहब पता है मैंने इतने सारे आर्टिस्ट देखे, मगर इन जैसा सादा और सच्चा और अनइनहिबिटेड आर्टिस्ट मैंने कभी नहीं देखा। आप यही सादगी और यही सच्चाई इनकी तस्वीरों में भी पाएंगी, और यही खसूसियत है जो इनके काम को मास्टर्स के काम से जुदा करता है। जी जी बिल्कुल, यही सब कुछ मैं महसूस कर रही हूँ। अब मिसाल के तौर पर इस तस्वीर को देखिए जी, देखिए प्लीज देखिए। उफ, उफ, जी किस कदर डेप्थ है इस काम में। इस मौजू पर देखिए ना, ये यूं तो बड़े बड़े मास्टर्स ने तस्वीरें बनाई हैं, और यूरोप की तमाम आर्ट गैलरियां, आर्ट म्यूजियम इनसे सजी पड़ी हुई हैं। जी जी। लेकिन इस पर्टिकुलर पेंटिंग में जिस तरह आर्टिस्ट ने एक खास लम्हे को चाबुक दस्ती के साथ मुकैद किया है, उस लम्हे को अमर बना दिया है।
ये खुसूसियत है इस तस्वीर की। यही चीज अगर यूरोप का कोई आर्टिस्ट बनाता और तहलका मच क्या होता। अब आना तुम नहीं था, मैंने तुम्हारे मुंह पे काले रंग का पुरुष ने मारा तो मुझे भी मत करना। जलील इंसान कमीने ना हो तो। भाई क्या बात हुई? कमाल है वो चाय वाले को। मैं कह रहा हूँ मिन्नत कर रहा हूँ, समाजित कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ औरत आई हुई है जिसको हमने चाय पिलानी है। मानी नहीं रहा, वो कहता है या तो अलन को भेजो या पैसे भेजो, या तो खुद उससे बात करना। भाई तुम ऐसे जलील लोगों के मुंह क्यों लगते हो? तुम एक आर्टिस्ट हो। मैंने भी उसे कहा था कि हम आर्टिस्ट हो गए, तो वो कहने लगा तुम बहुत जल्द अंदर भी हो जाओगे क्योंकि तुम फ्रॉड हो। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, लोगों ने यही बात पिकासो को कही है, वान गो को कही है, रेम्ब्रांड को कही है। उनकी सोसाइटी में उनका क्या हाल था? यही था। अच्छा अच्छा, उनकी भी चाय वालों के साथ नहीं बनती थी? भाई तुम्हें याद है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि गोगान जैसे आदमी ने अपने आखिरी अय्याम किस अबतरी की हालत में गुजारे। हाँ, अपना गोगा पहलवान। आखिरी अय्याम में तो उसने बैजा बैजा करा दी। गोगा को हमेशा ये प्यार से पहलवान कहा करते हैं। और ये हकीकत भी है, ऐसा देवकामत मुसव्विर अपने फन में पहलवान से क्या कम था। बिल्कुल क्या वो पहलवानों के चक्कर में पड़ गया, जाके उसका चाय को बोल के आना। एक्सक्यूज मी, मैं भी हाजिर हुआ। बासुन दो टोस्ट भी कहना उसको। दो टोस्ट भी? वो भी मैं कह रहा हूँ। हम अभी आपकी पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा जी। जी हाँ, इसमें आपका एक खास रंग नजर आता है जो कि बिल्कुल आपका अपना रंग है। हाँ जी, वो ये हमारा तो जी जाती रंग होता है, हम किसी से उधार लेकर रंग इस्तेमाल नहीं करते। और सबसे बड़ी हमारे रंग में खूबी ये है जी कि धोने से ना उतरता है ना सुखड़ता है। हाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अब मैंने देखा कि आमतौर पर मॉडर्न आर्टिस्ट जो हैं वो मगरिब की नक्काली पर बहुत जोर देते हैं। नहीं जी नहीं, हम इस तरह नहीं करते हैं। जी अब यही बात आपके इस पेंटिंग में बिल्कुल साफ नजर आती है। हाँ जी, क्या नजर आती है? ओ, अच्छा अच्छा, ये रंग जो चो गया। नहीं नहीं, हम ये कह रहे थे कि इसमें आपने एक लम्हा इतनी चाबुक दस्ती से कलम बंद कर लिया। आप तस्वीरें कैसे बनाते? वो जी बस जैसे हालात हो, जैसे मौसम हो, जैसे वक्त हो जी, कभी बैठ के, कभी उठ के, कभी लेट के। आपके जहन में ये ख्याल किस तरह से आता है कि ये आपको पेंटिंग यूं बनानी चाहिए? नहीं नहीं, जहन में नहीं जी, पेट में वो फाकों की वजह से, फाकों की वजह से। हाय, कितनी फलसफियाना बात की आपने। सारा फलसफा बस एक जुमले में बयान करके रख दिया। इसमें खाने पीने की बात है ना जी? बस ही देख लीजिए, फाके से इंसान के में क्या क्या ख्याल पैदा होते हैं दिमाग में, कभी डरावने, कभी अच्छे, कभी बुरे, अजीब किस्म के ख्याल। इस कदर मासूम एक्सप्रेशन है आपका, आपकी पेंटिंग में यही तो बात नुमाया है, मासूमियत और इंसानियत है जी। ये आपको इनमें नजर आती है? जी हाँ बिल्कुल साफ साफ। हुई हुई हुई। एक सवाल पूछूं मैं आपसे? शादी के बारे में? नहीं, मैं तो आपसे बस ये पूछना चाह रही थी कि आपने सबसे पहली पेंटिंग कब बनाई? ये जी परसों रात 8:30 बजे खबरों से पहले। जी हाँ हाँ जी, वो यकदम अलन के जहन में ख्याल पैदा हुआ कि आजकल के जो मॉडर्न पेंटर है ना जी, वो बहुत रकम कमा रहे हैं, तो हम भी ये क्यों ना धंधा शुरू कर दे। बस जी इसमें पैसा भी है और इज्जत भी है। जी क्या मतलब? हाँ जी, आप नहीं जानती, अलन बड़ा उस्ताद आदमी है। जब उसने ये सोचा और फौरन घर से बाहर निकल गया, बाहर जाके एक ट्रक से उसने तरपाल खींची और उसके छोटे छोटे टुकड़े कराए और एक माई से जाके ये सारे जो रंग है ना ये लेके उठा के ले आया। तो आप लोग फ्रॉड हैं? हाँ जी बिल्कुल फ्रॉड हैं। तो ये इतनी सारी पेंटिंग्स कैसे बन गई? ये कौन सी मुश्किल बात है, बिल्कुल आसान तरीका है। देखो जी, ये आप भी बना सकती है, इसमें मैंने कौन सा तीर मारा? बस ये तरपाल के टोटे किए हैं, फटियों पे लगाए हैं, इस पे मैंने रंगों की कुल्लियां की हैं, रंगों के छींटे उड़ाए हैं और रंगों की टाकियां फेर दी। इस तरह पेंटिंग्स बनती हैं? हाँ जी, इससे भी एक और आसान तरीका है। बस ये एक टोटा लेके तरपाल का, उसके ऊपर रंग को उलट दिया, बस अब फूक लेके और शुरू हो गया। अब जिधर जिधर कतरा जा रहा है उधर उधर फूंक जा रही है। बस कतरा खत्म, फूंक खत्म, तस्वीर खत्म। और इसमें ना हाथ लगता है ना पुरुष लगता है, बस सिर्फ मुंह लगता है या थोड़ी सी फूंक लगती है। थैंक यू वेरी मच। एक और आसान तरीका मैं आपको बताऊं जी। अब देखना जी, एक लंबी सी तरपाल, ये वाली, ये
ये बिछा के इसके ऊपर रंग, ये फेंक के रंग, ओए ब्रश गया, ये लिया, ये किया और वो साइकिल पकड़ा और उसके ऊपर 72 घंटे साइकिल चलाया। सबसे बड़ी बात ये जी, इस काम में हाथ से ज्यादा पांव से करने को जी चाहता है। आप लोग तो बहुत बड़े फ्रॉड हैं। हाँ जी, बहुत बड़े फ्रॉड। क्या जी, मतलब मैंने कब कहा कि हम फ्रॉड नहीं है? देखे ना जी, इस दुनिया में नेक नीति और ईमानदारी से पैसा कौन कमा रहा है? कोई भी नहीं कमा रहा। कोई तस्वीरें बनाता है, कोई बंदर का तमाशा करता है, इसलिए इस पापी पेट की खाता। आठ बंदर का तमाशा नहीं होता है? लेकिन आप जैसे बंदरों के हाथ में आपने दूसरों का इत्मीनान भी खो दिया। मुझे इजाजत दीजिए। नहीं नहीं, अभी आपको इजाजत नहीं दे सकता मैं। देखिए जी, ये सब कुछ बताने के बाद मेरा दिल तो हो गया हल्का। अब आप अपना दिल भी हल्का कीजिए, बैठ जाइए, चाय पीजिए और उसके बाद जाइए। नॉनसेंस, मुझे अफसोस है कि मैंने इतना रकम, इतना सरमाया, इतना वक्त आप जैसे घटिया लोगों पर क्यों जाया किया? हाँ जी, बात तो सुनिए जी। घटिया कह गई? ओए ये नाराज होकर चली गई। कोई बात नहीं, ये तो जो होना तो हो गया। अब जो अल्लाह ना आके मुझ पे नाराज होगा वो तो बैजा बैजा करा देगा। चलो तस्वीर। वो तो चली गई है गुस्से होकर। चली गई? हाँ। क्या मतलब? यार अलन, तूने बिल्कुल सच कहा था कि इस दुनिया में ईमानदारी बिल्कुल नहीं चलती है। मैंने उसको सब कुछ सच सच बता दिया तो वो बजाय खुश होने के नाराज हो गई, पागल की बच्ची। हाँ? और चली गई चुई। हाँ, तुमने क्या सच सच बता दिया उसे? यही कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये पापी पेट की खातिर कर रहे हैं। ओह माय गॉड! और ये तुम्हें सब कुछ बताने को किसने कहा था? यार मुझसे ये झूठ नहीं बोला जाता। दुनिया अगर बुरा मनाती है तो बेशक मनाए। तुमने इस दुनिया में रहना है? नहीं रहना। रहना क्यों नहीं? तो फिर यहां बकवास करने की क्या जरूरत है? चल अब बकवास ना कर, ये ले पकड़ चाय पी ले। मुझे नहीं पीनी चाय। यार पी लेना, क्यों सता रहा है मुझे? मैंने इतनी मुसीबतों से, इतनी मेहनत से ये रंग, ये ब्रश, ये पेंट, ये कैनवास सब जमा किए, पब्लिक रिलेशनिंग की, और तुमने सब किए किराए पर पानी फेर दिया। चल अलन, मुझे माफ कर देना। मुझे पता है कि तूने ये एक औरत चली गई है तो तू 3-4-5-6 औरतों को और पकड़ लेगा। यार अलन देखने, तूने भी तो मुझे ऐसा काम लगा दिया, ये रंग पेंट का जो मेरे कभी बाप दादा ने भी नहीं किया था। तो जो कर रहे हैं उनके बाप दादा ने किया था पहले, सब अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ तो जरा मेरे चेहरे की तरफ तो देख, यूं लग रहा है जैसे मुंह पे पंचर लगे होते। ये पकड़, चाय पी ले। मुझे नहीं पीनी चाय। चल फिर ठीक है, तू नहीं पीता तो मैं भी नहीं पीता हूं, मैं रख देता। रखो यो बदबख्त, पियो और मरो। चलो ठहर जा ठहर जा, अभी बताओ ना, ये पी के चाय फिर बर्तन लेके जाना। चाय अच्छी है वैसे। मैं हाजिर हो सकता हूं? क्यों? ओ तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। क्या ये वही जगह है जहां तस्वीरों के प्रीव्यू के लिए बुलाया? जी, जी जी बिल्कुल यही जगह। मैं टेली गजट का आर्ट क्रिटिक हूं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं आपके मजामीन पढ़ता रहता हूँ अखबार में। बहुत अच्छा लिखते हैं आप आर्ट के ऊपर। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लिखते हैं। इनसे मिलिए, मिस्टर नन्ना दी आर्टिस्ट। बड़ी खुशी हुई मिलकर। चाय पिएगा आप? जी नहीं, मैं सबसे पहले आपका काम देखना चाहता हूँ। उसने कौन सा काम दिया था? अच्छा अच्छा, वो ये काम आपके सामने है जी, जरूर देखे आप। यूं तो जी आजकल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो है फैशन में दाखिल हो चुका है, लेकिन मिस्टर नन्ना आर्ट को आर्ट के सही मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीजें आप इनकी तस्वीरों में देखेंगे। जा, आपने शायद मेरा पिछला कॉलम पढ़ा हो। मैंने इसके खिलाफ लिखा। वो मैंने पढ़ा और वो कॉलम आपका बहुत मशहूर हुआ है क्योंकि खिलाफ था। आप इसके खिलाफ हैं जी? नहीं नहीं, मैं सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हूँ जिन्होंने इसे मजाक बना रखा है। बस तो फिर आप बिल्कुल सही मुकाम पे आए। मिस्टर नन्ना एक ऐसे पेंटर हैं जिनके बारे में आप बेतकल्लुफी के साथ ये कह सकते हैं कि ये आर्टिस्ट आवाम का आर्टिस्ट है।
वजह उसकी क्या है कि इस शख्स ने जिस तरह जिंदगी को देखा है और जिन पहलुओं से देखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक किसी आर्टिस्ट ने नहीं देखा। ओ जी, मैंने तो सब काम जो है ना जी अपने दस्ती किया है मैंने। अब देखे जी, बस की कंडक्टरी मैंने की, होटल की नौकरी मैंने की, डिशे मैंने साफ की, और सबसे बड़ी बात यह जी कि बंदे समगल मैंने किए, लॉन्ड्री मैंने खोली और कब्रिस्तान मैंने बेचा। महज इसलिए कि जिंदगी को जिंदगी के रूप में खुश के देखना चाहिए। 90 फुट की बुलंदी से कपड़ों में आग लगा के छलांग मैंने लगाई, घड़म, और उसके नतीजे के तौर पर एक तखलीक अमल में आई। हाँ। वो ये द फायर ईटर्स। सुन और